मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी मेरे घर से 25-27 किलोमीटर दूर है। और मसला ये है कि 11:20 होने हैं, मैं अभी भी यूनिवर्सिटी से तकरीबन 15 मिनट दूर हूँ और मेरा 11:30 पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, मिड टर्म है। ये फन है यूनिवर्सिटी का। एग्जाम था वो ऐसा टेक्निकल एग्जाम था कि टेक्निकल सारे निकल नट बोल्ट सब ढीले करके चली गई शमाना भाई। उसके तो सबसे बड़ा मसला ये था कि अगर आपका एक सवाल गलत हो तो 10 के 10 गलत है। तो रमज़ान में देखें लोग इबादत करते हैं, इस टाइम यहाँ कैफे में भी कोई सब कुछ खुला हुआ है, BNU यूनिवर्सिटी के नाम है और यहाँ मॉडल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि इधर जो बेशर्मी की हद है वो पार हो चुकी है। आप मौलाना साहब क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात ठीक करने का मिनट का काम है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो सीन इस टाइम ये है कि मैं घर आ गया हूँ और मसला अभी सारा ये है कि मुझे एक रियलमी की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो वो करते हैं। और उसके अलावा पैकिंग जो है वो इस टाइम चल रही है क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मेरी फ़्लाइट है। ठीक है, तो देखते हैं, आपको बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम कहाँ जाएंगे। होपफुली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्लॉग जितना ज़्यादा मैं कर सकूँ। तो बस यही फ़िलहाल अपडेट है, मिलता हूँ मैं आपसे एयरपोर्ट के रास्ते में, क्योंकि जाने से पहले काम शाम ख़त्म करके जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डैडी मनी तो नहीं है तो बहुत ज़रूरी। तो फ्रेश जूस पीने बैठे हैं हम, चेक इन हमने कर लिया। चेक इन ज़रा ना कस्टम वालों का थोड़ा रोला हो गया था अपना, लेकिन यू नो पाकिस्तान ब्रो यू यू। सो एनीवेज हम आ गए। स्पेशल थैंक्स टू एहसन चौधरी, माशाल्लाह माय वेरी गुड फ्रेंड। एंड अगर आपको कभी भी टिकट शिकट या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इधर रब्ता कर सकते हैं। एनीवेज हम बैठे हैं अभी, फ्रेश जूस हमारा आ गया एंड I'll see you once I board the flight because you know यहाँ कोई फन नहीं है ब्रो, जहाज में लगता है खाली है। पीछे जाके सारी सीटों को जाके अपनी एक्स्ट्रा बिजनेस क्लास बना ली। ऑलराइट, तो मैंने डिसाइड किया, यदि आपको पता है मैं कितना VIP बंदा, CIP बंदा हूँ, तो मैं CIP लाउंज में भी जाने लगा हूँ। और असल में बात यह है कि मेरा ज़रा कार्ड जो है ना वो ज़रा प्रीमियम क्वालिटी है, तो मुझे 1 रुपये पे हो जाता है यहाँ पे सिस्टम। तभी हम जा रहे हैं VIP X CIP लाउंज से जलील होने के बाद हम आ रहे हैं वापस, क्योंकि मेरा कार्ड प्रीमियम था, उनको प्लैटिनम और गोल्ड चाहिए था अपेरेंटली, जो कि नहीं है अपने पास। कोई नहीं, पाकिस्तान का ही है ये, ढक्कन सा CIP लाउंज है इनका, तो हम टेंशन नहीं, बहरीन में बैठेंगे। उधर पैसे दे के भी इंसान बैठ जाए ना तो अच्छा लगता है। इधर वही, अभी मैं अंदर गया हूँ तो 2 बच्चे ऐसे टांगने टांगे लेटे हुए थे। वाओ, दिस इज CIP X VIP लाउंज। यार मेरी जाना फोटो लेना है इधर, फोटो तो लेना मेरी इधर। वी अबाउट टू बोर्ड द फ्लाइट। लेकिन ये जो स्पॉट है ना जहाँ पे सबके कैमरे ऐसे बाहर आते हैं, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कैमरा पकड़ा दिया लोगों ने, बस हम बोर्ड करते हैं, चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पे। फिर फ्लाइट में भाई सो रहा है बस। मेरी पाकिस्तानी हैक, सिर्फ आप तरला मिलता करें जो स्टीवर्ड होता है उसका, और आपको मुफ्त की बिजनेस क्लास। अब मैं यहाँ पे सोऊंगा। लेटेस्ट अपडेट आई है जो इस स्पेसिफिक एयर लाइन का, जो बाथरूम है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करती है मेयर की तरफ, बड़े सारे लोग जो अभी आप देखे हैं पिछले शॉट में ये सारे उस मेयर का रूम कर रहे हैं। तो बस लाइन में लगे हुए हैं, मैं पिछले शॉट में मैं भी लाइन में लगे हुए हैं, तो अंदर लाविश लाइफ स्टाइल चल रहा है। तो हम भी उस रंग में आ चुके हैं, मैं आपको POV दिखाता हूँ जरा। व्यू आफ्टर 100 अंकल्स, ये बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि यानी ये वाला जो सीन है ये हम स्किप ना करें। आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स बट लेट्स डू दिस। थोड़ा 3, 2, 1। वो मंजर है जिसको कहते हैं शफीक अहमद रोटी हॉल। अभी एक्चुअली हम बस लैंड हो गए, अभी जहाज चल रहा है, लेकिन सामान पहले लेना बहुत जरूरी है, चोरी हो जाता है।
अहमद ने रोटी खोल दी। पाकिस्तान से फ्लाइट आई है, पता चलना चाहिए। सिनेमा हॉल से जब उठते ना मूवी के बाद, ये भी वही सीन चलता है। सबसे पहला काम हमने ये किया है कि हमने सिम ले ली है ज़रा, कि आप लोगों को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है सिर्फ इस वजह से। तो हम देखते हैं हमें कोई लेने आया है कि नहीं आया। तो मैं आ चुका हूँ बहरीन की सड़कों पर, और अभी हम से मुराद हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, ये भी एक बहुत बड़े कलाकार यूट्यूबर हैं। मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन हम बेसिकली इनको यहाँ पे आए हैं क्लासेस देने। इन्होंने हमें टिकट करा के दी, सब इन्होंने करके दिया, तो हम आपसे मिलवाते हैं। अब इंट्रोडक्शन प्लीज आप दीजिए। वसीम सैयद फरमान, सैयद उधर भी सैयद इधर भी सैयद, शाह साहिब, शाह साहिब। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी, तो उधर जाके आपको दिखा देंगे हम क्या खाएंगे। हमने अभी आते साथ सलमान खान शवरमा ऑर्डर किया। खतरनाक है सलमान खान, तुम खा के तो देखो। देखते हैं अभी क्या सीन है। वैसे हम ये एक रेस्टोरेंट है मलगूम के नाम से, इसके पीछे इसका नाम छुपा हुआ है। तो जो शवरमा होता है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर दें तो उसका नाम मलगूम हो जाता है, सिंपल एज दैट। और मोटा भी, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अभी जिस रेस्टोरेंट में हम आए हुए थे, मैंने कहा कि यहाँ का बाथरूम चेक करें कि पाकिस्तान से कैसा डिफरेंस है। इधर तो भी फुल नीट एंड क्लीन, वाओ। हमारा खाना है वो आ गया, और जब आप किसी को खाना देते हैं आप यहाँ पे कहते हैं बिल आफिया। बिल आफिया उसका मतलब होता है कि आप अपना खाना एंजॉय करें, कुत्ते ऐसी शक्ल में आगे ना बैठे, खुश हो जाएं। वन वी हैव सलमान खान, एंड साथ है चीज जलापीनो, चीज जलापीनो सम्बूसा। जलापीनो नए आए ने, अनबॉक्सिंग टाइम। ये तो बड़ा छोटा है, दैट्स व्हाट शी सेड। ये तो छोटा, मैंने बोला था लंबा नहीं होगा, मोटा होगा। अभी आपको खा के दिखाएगा समोसा। कोई आया थे रायता पाया ना ने। सो वी आर गोना ट्राई द जलापीनो चीज समोसा फर्स्ट। ये बहुत गर्म है तो मेरी फट जाएगी यार, चीज गर्म ही खाने का मजा आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, हालांकि मुझे जलापीनोज नहीं पसंद, लेकिन दिस इज वेरी नाइस। आपको इसका फर्स्ट लुक दें तो ये ऊपर से ढीला है थोड़ा, और परौंठा है। परौंठे के अंदर इन्होंने डाली हुई चिकन, और चिकन के अंदर प्याज सब्जी जो भी सिस्टम है। तो हम इसकी टेस्ट टेस्ट करते हैं फर्स्ट। पालक का कितना पैड़ा टेस्ट आ रही है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, रियली नाइस। मैंने आपको बिल्कुल गलत बात की है कि ये बहुत अच्छा सैंडविच है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिद्दों मलगूम है, जिधर इसको जिधर से चक्की डालो सिर्फ कैबेज ही कैबेज आ रहा है। तो मैंने आगे कहती वेजिज में जी टोमेटो एंड कैबेज, मैं कहूँ नो नो ओनली कैबेज। तो उन्हें मैंने लगे कि उन्हें शायद ओनली कैबेज ही पाता है, चिकन भी नहीं पाया बिच। तो हम यहाँ पे वीडियो को आज वाले के एंड कर रहे हैं, देखते हैं हमारा कल का क्या प्लान है। गला बहुत खुश्क हो गया एक्चुअली। तो मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह नए वीडियो में, और इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। And honestly, I love